Hello students, today we are going to start my favorite chapter, that is Plant Kingdom. Why is the Plant Kingdom my favorite chapter? Because you know that plants are the only organisms that make us live, that give us every single thing. And you know, human beings and animals had invaded the world. मतलब कि ह्यूमन बींग्स ने जो वो ग्रास कर रहे हैं दुनिया पे, पर प्लांट्स जो है ना, दीज आर द रियल किंग्स. नोबडी कैन लिव विदाउट प्लांट्स, एंड एनीबडी कैन लिव विदाउट ह्यूमन बींग्स देन एनिमल्स. सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स में काफी अच्छा एसोसिएशन है. काफी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं आपस में, बट ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग इज अ नेचर डिस्टर्बर, नेचर को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है एंड स्पॉइल करना चाहता है. इसलिए बेसिकली ह्यूमन बींग्स के बिना जिंदगी चल सकती है. बट ऑल आई वॉन्ट टू से यू इज कि प्लांट किंगडम इज द मोस्ट यूनिक किंगडम. बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. दिस इज द फेवरेट वन एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. Okay, first of all, let us come to the system of biological classification. There are three systems of classification basically. Isme se wo kaun kaun se hain? The artificial system, the natural system and the phylogenetic system. Artificial system mein kya hua tha? Carl Linnaeus ne bataya tha artificial classification system. It was the most earlier classification system and वो वेजिटेटिव कैरेक्टर या सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था. जो चीज हमें आंख से दिख रही है ना, वो चीज ये डिस्कस की जाती थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम था. ओके, लेट अस सी. दे वर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, color, number and shape of leaf etc. Linnaeus artificial classification system of the classification was based on the androecium structure. Basically wo androecium structure ko bhi zyada importance deta tha Linnaeus. Now what were the drawbacks? Basically the drawbacks were they separated the closely related species, kyunki morphological characters mein जरूरी नहीं है कि हर एक स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी सेम. बट ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होती है तो वो बहुत ही ज्यादा लो स्केल पे होती है, बहुत ही ज्यादा लो स्टैंडर्ड पे होती है. इसको बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करने के बाद हमें कुछ अच्छा मिलता है. सो इसका ड्रॉबैक्स इम्पोर्टेंट है एंड हमें पता है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करके करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया है. ओके, चलो देखो. इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाज गिवन एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर तो एनवायरमेंट से क्या है, बहुत इजीली इफेक्ट कर जाते हैं. लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है बेसिकली द एनाटॉमी ऑलवेज रिमेन्स द सेम. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने था? These are based on the natural affinities among organisms. इसको जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने दिया था. He's the George Bentham and this one is the Joseph Hooker. उसने क्या कहा था कि उसने एक्सटर्नल फीचर्स को भी लिया था एंड इंटरनल फीचर्स को भी लिया था. मीन्स बेसिकली बोथ द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर. देखो अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी कंसिडर किया. एनाटॉमी मतलब कि उसमें टिश्यूज की स्टडी को भी इंक्लूड किया गया. एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि हाउ डज एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स इट्स एम्ब्रियो, इस चीज को भी कंसिडर किया गया. एंड उसकी फाइटोकेमिस्ट्री को, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस चीज को भी उसने इक्वली वेटेज दी. दिस इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सब कुछ आ गया हमारा. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एज फाइलोजेनी इज रिलेटेड टू
phylogeny is related to evolutionary relationships. तो इसमें हर कैरेक्टर को नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर कैरेक्टर को लिया गया, लेकिन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में बेसिकली क्या हुआ कि हमने फाइलोजेनी को पढ़ना शुरू किया, हमने इवोल्यूशन को पढ़ना शुरू किया. दीज आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म. दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ऑफ कोर्स देखो जैसे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स इज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मंकीज, एप्स. तो ये जो ऑर्डर है दिस इज अ काइंड ऑफ अ टैक्सा. एंड जो टैक्सा में हम हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर हैविंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलर एंसेस्टर्स बेसिकली. तो दिस सिस्टम प्रूव्स ट्रूथ कि हाँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी बात की गई है दैट इज राइट. नाउ अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द क्लासिफिकेशन. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को लिया गया, साइटोटेक्सोनॉमी को लिया गया एंड केमोटेक्सोनॉमी को लिया गया. ठीक है, मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो भी प्रॉब्लम फेस की उसको साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से हमें सॉल्व करने की कोशिश की है. ठीक है, हमें बहुत सारे वेरियस मेथड्स दिए हैं सो दैट वी आर एबल टू क्लासिफाई एंड प्रिपेयर अवर टेक्सोनॉमी प्रॉपरली. तो लेट अस रीड अबाउट द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. ओके, सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व हो रहे हैं हमें उसको हम काउंट करते हैं. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज करो कि फ्लोरल कैरेक्टर है, फ्लोरल पेंटामेरस, पेंटामेरस को मैंने क्या दे दिया, 5 नंबर का एक नंबर दे दिया एंड एक कोड दे दिया. बिकॉज 5 नंबर मे बी रिपीटेड मेनी एंड अलॉट ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया गया एंड हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया एंड देन उसको उस डाटा को लिखा गया, स्टोर किया गया एंड उसको प्रोसेस किया गया. तो फिर हमें बहुत सारे क्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स मिलने शुरू हुए एंड इसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली यूज करना शुरू किया. नाउ साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा. देखो क्रोमोसोम नंबर है जो वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता है. ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी में वी आर गोइंग टू टेक द क्रोमोसोम नंबर्स एंड क्रोमोसोम्स की हम बेसिकली जेनेटिक डीली कर रहे हैं साइटोटेक्सोनॉमी. केमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, दैट व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर इंक्लूडेड, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ प्लांट. तो बेसिकली ये तीन चीजें थी दैट आर फर्दर हेल्पिंग अस इन अवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ लेट अस गो फर्दर एंड नो मोर अबाउट इट. So algae. Now to our first topic, that is algae. Algae kya hota hai? Simple thaloid, autotrophic, chlorophyll bearing and aquatic organisms. Iska kya matlab hua? Simple. Inka jo structure hota hai that is very simple. Thaloid. They are not differentiated into stem, root and leaves. Thaloid hai, ek hi structure hai, ek hi structure sara kuch kar hai. Theek hai, thaloid hai, no differentiation of the organisms. Autotrophic, autotrophism kar sakta hai, phototrophism kar sakta hai. Chlorophyll hai, to phototrophism karega. Okay? Aquatic, ye pani mein hi grow karti hai. Aquatic, it can be freshwater, matlab ki rivers mein, ya fir ponds mein, lakes mein, kahin bhi grow kar sakti hai and marine organisms. अब हमने एल्गी को देखा है. एल्गी को कहाँ पे देखा है हमने, किसी भी लाइक रेनी सीजन में यू कैन सी कि अगर हम बाहर दीवार, कोई दीवार है एंड इट इज नॉट बीइंग क्लीन्ड प्रॉपरली, उसको पेंट नहीं किया गया है या उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो एल्गी क्या है वो ग्रो करनी शुरू कर देती है. पॉन्ड्स के अंदर एल्गी ग्रो करनी शुरू कर देती है. मड, बेसिकली रेन वाटर जहाँ पे खड़ा रहता है ना ज्यादातर, तो मड के अंदर एल्गी ग्रो करनी शुरू कर देती है. तो बेसिकली दीज आर वाटर, मतलब कि एक मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है एल्गी को, मॉइस्ट एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है एल्गी की ग्रोथ को इनहांस करने के लिए. ठीक है, अब स्टोन्स है, स्टोन्स के ऊपर भी एल्गी ग्रो करती है, सॉइल के ऊपर भी करती है एंड वुड के ऊपर भी करती है. वुड के लिए भी क्या फीचर है, दैट द फीचर इज कि देखो अगर वो वुड है
सपोज करो एक ट्री है, ट्री के ऊपर एल्गी ग्रो कर रही है, वो ट्री के ऊपर एल्गी तभी ग्रो करेगी अगर वो ट्री की वुड बहुत ज्यादा गीली रहती है, और अगर वो गीली वुड है जो वो सूखने लग जाए, ठीक है, लाइक उसको बहुत ज्यादा सनलाइट मिल रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एल्गल सेल्स भी ड्राई अप होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पूरी टोटली एंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम ऐसा दोबारा से फिर आएगा जिस टाइम में वुड को गीला करना पड़ेगा, वुड गीली होएगी क्योंकि हर प्लांट को बारिश चाहिए होती है, एंड पार्ट के हर प्लांट के हर पार्ट को वाटर नीड होती है, तो फिर उस टाइम में क्या हो जाती है, एल्गल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड बाकी टाइम में क्या हो जाती है, अगर देयर इज वेरी अ लॉट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड सनलाइट एंड ड्राई है, तो फिर एल्गी क्या है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, उसके सेल डेड होना शुरू कर देती है। सी लाइकेंस में क्या होता है, एसोसिएशन विद फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड एल्गी का मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, सो सम एल्गी आर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड उनको लाइकेन्स बोलते हैं, एंड सम एल्गी आर इन एसोसिएशन विद एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर। अब ये है लाइकेन जो हमें दिख रहा है, लाइकेन का मैंने बताया था कि उसमें एक फंगल पार्टनर होता है एंड एक एल्गल पार्टनर होता है, एल्गल पार्टनर फोटोट्रॉफिज्म करता है, फंगल पार्टनर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दिस इज द स्लॉथ बियर, एंड स्लॉथ बियर की जो ग्रीन है ना फर, बेसिकली दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्गी। नाउ द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, इट कैन बी टोटली माइक्रोस्कोपिक टू टोटली मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, तो उसका फॉर्म एंड साइज इज हाईली वेरिएबल, मतलब छोटे से छोटा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है, तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है उसका एक एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनस, दिस इज यूनिसेलुलर एल्गी। कोलोनियल फॉर्म है वॉलवॉक्स, बहुत सारे सेल्स कॉलोनी बना के रखते हैं फिर ग्रो करते हैं, मतलब हमेशा ये वॉलवॉक्स है जो वो हमेशा कॉलोनी में ही ग्रो करती है। फिलामेंटस फॉर्म मींस एलोथ्रिक, फिलामेंटस है तो ऑफकोर्स इट इज मल्टी सेलुलर बट इट ग्रोज इन इलॉन्गेटेड फॉर्म एज इन फिलामेंट्स, एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्लैमिडोमोनास वॉलवॉक्स, देन एलोथ्रिक्स एंड देन द स्पाइरोगेरा। Allotrichs and Spirogyra are the filamentous form, but their filaments are really differentiated. Different hai wo ek dusre se kafi. Now, reproduction in the case of algae. Vegetative reproduction. Vegetative reproduction is by fragmentation. Algae ka ek part kahin pe bhi pada ho, usse pura part, puri algae kya hai wo grow kar jati hai. And can develop into the thallus. कि अगर Allotrix का एक भी fragment अलग हो गया कहीं और चला गया तो उससे क्या हो जाएगा, एक पूरा algal thallus form हो जाएगा। Asexual reproduction. Asexual reproduction is by the production of the spores. जो spores हैं, they can be either motile or non-motile. They are flagellated. And they germinate to give rise to new plants. Okay? For example, the zoospores. Asexual spores, they don't need fusion and they don't need fertilization. They are flagellated motile. Zoospores hai jo humne padha tha ki zoospores hote hai, they are motile. They germinate to give rise to new plants. Sexual reproduction. Sexual reproduction occurs by fusion of gametes. Now, ab hum padhne wale hai. Types of gametes basically in algae. देखो, gametes हैं जो isogamous हो सकते हैं, anisogamous हो सकते हैं, oogamous हो सकते हैं. Isogamy का मतलब है कि positive and negative strain वाले gametes, means male and female gametes हैं जो वो बिल्कुल similar दिखेंगे. They are resembling each other. Anisogamy में their structure and shape can be different, ठीक है, अलग दिखते हैं एक दूसरे से, but ओगैमी में क्या होता है, ओगैमी में भी जो गैमेट्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट देयर इज अ रूल, एग कंपैरेटिवली लेस इन नंबर एंड बिगर इन साइज
जो मेल गैमीट है दैट इज स्मॉलर इन साइज एंड लार्ज एंड फॉर्म्ड इन लार्ज वेरी वेरी लार्ज नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग एंड स्पर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स है जो वो ऊगैमी शो करते हैं. ऊगैमी का सिर्फ एक रूल है कि जो फीमेल गैमीट है दैट इज गोइंग टू बी बिग एंड लेस इन नंबर एंड मेल गैमीट्स है दैट दे आर गोइंग टू बी स्मॉल एंड मोर इन नंबर. Anisogamy में it can be the female who is different, big or small, है ना, कोई भी हो सकता है. Anisogamy का मतलब है कि जो दो gametes हैं, they are basically different from each other. Okay, now let us read about this. Fusion of gametes which are similar in size, they may be flagellated or non-flagellated. Flagellated in the case of Allotrix and non-flagellated in the case of Spirogena. Flagella से क्या मतलब है? Flagella से मतलब है मूवमेंट. अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल है, अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट तो नॉन मोटाइल. एनिसोगैमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हु आर डिससिमिलर इन साइज इट इज नोन एज एनिसोगैमी. फॉर एग्जांपल सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना. ओके, ऊगैमस, ऊगैमस का मैंने आपको बता दिया नॉन मोटाइल. द फीमेल इज ऑलवेज नॉन मोटाइल, बिग एंड लार्ज, बिग एंड लेस इन नंबर. जो मेल है दैट इज ऑलवेज मोटाइल, स्मॉल एंड फॉर्म्ड इन अ लार्ज नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल बल्बॉक्स एंड फ्यूकस, ये जो भी नाम आपको गिवन है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गे ओनली. ठीक है, जब हम एल्गे के फर्दर क्लासेस की स्टडी करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा. बट अब के लिए आपको ये नाम डिफिकल्ट या ऑकवर्ड जरूर लग रहे हैं, बट इवेंचुअली यू हैव टू, यू गाइज आर स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल, so you have to make sure that you remember these names, okay, these examples as they are important. ये बहुत ही ज़्यादा common algae हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं. Now benefits of algae. Algae के बहुत ज़्यादा benefits हैं. देखो, they fix a lot of part of the oxygen, carbon dioxide on earth and increase the level of dissolved oxygen. Water mein dissolved oxygen ka amount algae increase karta hai. Theek hai, and plants hai hamare paas, plants and other organisms 50% carbon dioxide fix karte hai, 50% carbon dioxide only algae fix karti hai. So thus it is very 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 important for us. Algae agar gayab ho jayegi, 50% of carbon dioxide kya hai wo fix honi band ho jayegi, and our earth will increase a lot in the temperature and will cause us great amount of global warming. Second, they are the primary producers and based on the food cycles, you know, aquatic animals can feed on them kyunki ye primary producers hain. Phytoplanktons aate hain, fir zooplanktons aate hain, like this. Algae are very important for us. About 70 species of marine algae. Marine algae मतलब जो sea में and ocean में grow कर रही है, उसको हम food की तरह use करते हैं. For example, porphyra, laminaria and sargassum. Porphyra, laminaria and sargassum ये brown algae के types हैं and these are edible. मतलब ये यूज किए जाते हैं. दीज आर एडिबल, एडिबल का मतलब न्यूट्रिशियस. एगर एगर, एगर एगर क्या होती है? बैक्टीरियल कल्चर. बैक्टीरिया को, जब हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए हम बैक्टीरिया को कल्चर क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कल्चर बैक्टीरिया बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी देयर ग्रो मैकेनिज्म, देयर डिविजन टाइप, उनमें माइटोसिस मियोसिस कैसे हो रही है ना, उनका लाइफ साइकिल क्या है, कौन सी एंटीबायोटिक का क्या असर हो रहा है, तो ये सब हमें एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है. इसके लिए हमें बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करना पड़ता है. एंड एगर एगर इज यू नो प्रोडक्ट ऑफ एल्गी. जेलीडियम, दिस इज द जेलीडियम एंड ओके वेट, दिस इज द जेलीडियम एंड दिस इज द ग्लासिलेरिया. इन दोनों से हमें एगर एगर मिलता है एंड एगर एगर इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन
in laboratories. ठीक है, Porphyra, Laminaria, Sargassum, these are आपने seafood का नाम सुना है, seafood में भी algae is a great part of the seafood. Some marine, brown and red algae produce hydrocolloids. Hydrocolloids क्या होते हैं? Water holding substances होती हैं. For example, algin and kerogen, and ये industries में and commercially बहुत ज़्यादा use. Because see, if they are having good water holding capacity, so of course they can be exploited commercially. And most of the water holding capacitors are formed from algae. Algal products हैं basically ये. आजकल तो एक beauty product भी आ रहा है जो algae से मिलता है हमें. Maybe you people have been referred to that, the face mask. उसको face mask, उसको किसी भी body part पे हम लगाते हैं, तो it you know it absorbs all the dirt and dust and dead cells and clean कर देता है हमारी skin को. Protein rich unicellular algae are used as food supplements by space travelers. हाँ, ये आपको chlorella and spirulina, ये दो नाम याद रखने बहुत ज़्यादा important है. ये हम इसको टैबलेट्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. एंड स्पेस ट्रेवलर्स जो है वो जो स्पेस में जाते हैं वहां पे उनके पास खाना तो मिलता नहीं है उनको, है ना, तो फिर वो ऐसी चीजें ही खाते हैं. वहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि स्पेस ट्रेवलर्स कौन सा किस चीज को यूज करते हैं व्हाइल देयर ट्रिप. ओके, up to the classes of algae. Classes of algae hai, there are three basic classes of algae. The first class is the green algae, next class is the brown algae, and usse next class is the red algae. Jo green algae hai, ye jo colors hai algae mein, basically ye hamare paas teen char, total char pigments hote, theek hai. एंड आपके एनसीईआरटी में पिगमेंट्स की एक टेबल भी दी गई है. एंड अगर एनसीईआरटी में टेबल दी गई है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. बेसिकली जो एल्गी के ये कलर्स हैं, लाइक ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये डोमिनेंट कलर्स जो हैं एल्गी में, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है फ्रॉम द रेशियो ऑफ द पिगमेंट. ग्रीन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट ज्यादा है इसलिए वो ग्रीन दिखता है हमें. इसके एग्जाम्पल है क्लोरेला, Chlamydomonas, okay? Brown algae, brown in number, मतलब कि brown pigments का amount उसमें ज़्यादा है, तो वो brown color की दिखती है हमें. इसकी example है Laminaria. ये sea, ये basically brown algae जो होती है ना, marine होती है, seas में grow करती है, and इनको basic seaweeds बोला जाता है. Algae को basically seaweeds ही बोला जाता है, because sea में weeds क्या होते हैं? देखो, weeds होते हैं जो खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं, एंड जहां पे भी ये ग्रो करते हैं वहां पे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं खुद ब खुद. ठीक है, सो सी में एल्गी अपने आप ग्रो करती है, एंड एल्गी खुद ब खुद न्यूट्रिशन भी न्यूट्रिशन नहीं लेती बेसिकली, बट अगर पूरी सरफेस पे एल्गी फैल जाए ना, एल्गल ब्लूम हो जाए, तो वो सारी ऑक्सीजन है जो नीचे वाली डीप सर्फिस को पहुंचने तक रोक सकती है, इसलिए इसको सी वेव्स बोला जाता है. एंड ब्राउन एल्गी आर ऑलमोस्ट मेरीन. बड़े बड़े इसमें बहुत ज्यादा मैक्रोस्कोपिक एल्गी आ जाते हैं, जिसमें सम 70 स्पीशीज हमने पढ़ा था, 70 स्पीशीज आर एडेबल एंड न्यूट्रिशियस टू अस, एंड बाकी सारे भी जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं. केल्प्स बोलते हैं इसको, डेविल्स बेसिकली. एंड रेड एल्गी, रेड एल्गी इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट्स इन itself. Red pigments का amount ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? Red algae बोला जाता है. So up to the green algae. Let us go far. Green algae are unicellular or colonial. और फिलामेंटस. अलोथ्रेक्स के केस में हमने देखा था ग्रीन एल्गी फिलामेंटस थी, कॉलोनियल इन द केस ऑफ वॉलवर्क्स, एंड यूनिसेलुलर इन द केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास. यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोप्लास्ट.
ग्रीन कलर के लिए किसी भी प्लांट में ए एंड बी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. ये क्लोरोप्लास्ट किसी भी शेप के हो सकते हैं. दीज शेप्स आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद करनी पड़ेगी. डिस्कॉइड शेप हो सकती है, प्लेट लाइक शेप हो सकती है, रेटिकुलेट शेप हो सकती है, कप शेप हो सकती है, स्पाइरल शेप हो सकती है, रिबन शेप हो सकती है, इन डिफरेंट ऑल डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है. Most of the algae have storage bodies in their cells, जहाँ पे मतलब कि देखो algae basically multicellular उनका thalloid body structure है. चाहे वो एक cell से बनी है, चाहे बहुत सारे cell से बनी है, but हर cell का same काम ही होता है, because body तो differentiated ही नहीं है stem, root, leaf में किसी में भी. तो cells के अंदर paranoid bodies होती है. paranoid bodies क्या करती है, food store कर देती है जो chloroplast के अंदर होता है. paranoid contain proteins beside the starch. पेरिनॉइड बॉडीज में जो मेजर कंटेंट होता है दैट इज ऑफ प्रोटीन एंड नॉट स्टार्च और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स. सम एल्गी स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स. कई एल्गी जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर करती है. उनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ इनर सेलुलर लेयर एंड आउटर पेक्टोस लेयर. इनकी सेल वॉल इनर सेलुलोज बाहर पेक्टिन से बनी होती है, पेक्टोस लेयर. मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पेरानोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. पेरानोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. ये आपने पढ़ लिया. एग्जाम्पल Chlamydomonas, wall worms, allotrix, spirogyra, and carp. These all are examples of green algae. ठीक है? आप ये देख सकते हो यहाँ पे Chlamydomonas है. This is Chlamydomonas. This is wall worms. Wall worms grows in the colonial form and filamentous allotrix हमने देखा ही था. This is allotrix. This is spirogyra. These are the filamentous form. This is cara. Basically, cara is multicellular and branched algae. Reproduction in algae. Reproduction in green algae again. Vegetative हो सकती है, asexual हो सकती है, sexual हो सकती है. Vegetative with the help of fragmentation and spores. Basically, asexual reproduction takes place with the help of the zoospores. Zoospores किसके अंदर बनते हैं? Zoosporangia के अंदर बनते हैं. Asexual reproduction में no meiosis is taking place, but in the sexual reproduction, meiosis as well as mitosis is taking place because fertilization होती है. And sexual reproduction can be isogamous, anisogamous, and oogamous. देखो, let us have a look on the diagram. These are the zoospores. Zoospores are capable of giving rise to the whole organism without any meiosis, only by simple mitosis. ठीक है? But अगर उसने sexual reproduction करनी है, तो पहले वो mitosis करेगा. माइटोसिस करने के बाद गैमीट्स फॉर्म करेगा. गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे. जब गैमीट्स फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोस्पोर फॉर्म होगा. गैमीट्स नाउ जाइगोट. गैमीट्स के फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन रहा है, दैट इज 2N इनक्लाइडी डिप्लॉइड है. ये जाइगोस्पोर मियोसिस करके क्या बना देगा, ज़ूस्पोर्स बना देगा. फर्दर अब आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये जो मैच्योर एल्गी है दैट इज हैप्लॉइड. ये बेसिकली हैप्लॉइड होती है. डिप्लॉइड ओनली फेज जो होता है वो किस में आता है, वो आता है हमारे स्पोर्स में. स्पोर्स जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, फिर वो मियोसिस करके फर्दर जो हमारा जाइगोट होता है वो
वो डिप्लॉयड होता है, वो फर्दर मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है, एंड स्पोर्स क्या बनाते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। एंड जिसके अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं उसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। थस द मेन बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉयड। एंड देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज में, ये लाइफ स्टेजेस हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके हमें आएगी डिटेल में, तब हम क्लियरली इसको पढ़ने वाले हैं। अब के लिए आप इतना याद रख लो कि सम एल्गी आर मेजरली हैप्लॉन्टिक, सम एल्गी आर मेजरली डिप्लॉन्टिक, एंड सम एल्गी आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। 50% हैप्लॉन्टिक फेज होता है एंड 50% उनका क्या होता है, डिप्लॉन्टिक फेज होता है।